लोकेशन संभल में चोरों के हौसले बुलंद। गुड़ कारोबारी के घर पर 4,10,000 रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। संभल में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां गुड़ कारोबारी के घर पर 4,10,000 रुपए की चोरी कर घटना को अंजाम दे डाला, तो वहीं पुलिस ने अपनी कार्यवाही करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के संभल थाना बनियाठेर क्षेत्र के गाँव जेनेटा में गुड़ कारोबारी राहत अली के घर पर चोरों ने 4,00,000 रुपए की घटना को अंजाम दे डाला। बता दें कि गुड़ कारोबारी का कारोबार गांव में ही गुड़ बनाने वाली भट्टी के माध्यम से चल रहा है, जहां पर इस कारोबार में अन्य साथी भी शामिल हैं। जहां गृह स्वामी का कहना है कि वह परिवार के लोग सभी सो रहे थे और गुड़ की भरी हुई गाड़ी को बेचकर 2,10,000 की नकदी ला करके घर में रखी थी, जिसमें ताक लगाए चोरों के द्वारा अन्य 2,00,000 रुपए के सामान सहित लगभग 4,10,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं राहत अली ने थाना बनियाठेर की चौकी नरोली में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है, जहां थाना बनियाठेर के थाना अध्यक्ष विकास सक्सेना की ओर से शिकायती पत्र के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ NCR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। सर क्या नाम है आपका? राहत अली। कहाँ के रहने वाले हैं? जेनेटा। अच्छा सर, जो एक चोरी का प्रकरण आया है आपके घर पे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, रात के टाइम में 1 बजे करीब घर वाले सब सो रहे, अंदर कमरे में पैसे रखे, 2,00,000 रुपए करीब घर के रखे हुए, मतलब बकरे बेचे, कटरे बेचे, ईद पे बकरे ईद के लिए पालते हैं और वो बेचे, कुछ काम के बच्चों के पैसे रखे, तो सब मिला के 2,00,000 रुपए करीब है वो, और 2,00,000 रुपए मतलब भट्टी चलाता हूँ गुड़ की, उसके पैसे 6 साजी हैं उसमें भट्टी में। अवेर सवेर पेमेंट आती है शाम के टाइम में, गाड़ी भर के ले जाए गुड़, सुबह को उसका जो पेमेंट रात का भेजना है। सुबह को बच्चों ने जब उठे बच्चे, मतलब देखा सुबह के टाइम में, तो पता लगा क्या मतलब सब सामान इतर बितर हुआ पड़ा है, सामान देखा उसके बाद में पता लगा कि दो एक सूटकेस और एक संदूक गायब है। थोड़ी दूर यहाँ से करीब 100 मीटर 150 मीटर दूरी पे सूट वही मिल गया संदूक, और उसमें मतलब कपड़े रह गए और पैसे उसके सारे चले गए, और सूटकेस का अब तक पता ना लगा, जिसमें कि सूटकेस में मेरा आधार कार्ड सारे घर के और मेरा पैन कार्ड, 3 पैन कार्ड हैं, 2 लड़कों के, एक मेरा पैन कार्ड, एक मेरा पासपोर्ट और एक ATM कार्ड स्टेट बैंक का, ये उसमें मेरे और भी सब बहुत सारे दस्तावेज हैं उसमें, बैनामे वगैरह भी हैं उसमें। तो क्या इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने सब शाम बुलाया तो उसमें कुछ ना, वो एक तहरीर दे दी हमने, उस पर उन्होंने एक मुकदमा ऐसे अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उसके बाद तो पुलिस का कहना गया साहब तुम्हारे इनमें से है और कैसे हो गया तुम बताओ, इस तरह की पूछताछ चल रही है। क्या अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी तरह की कुछ नहीं। बगैर पार्टनरों के पूछे, एक न्यूज पेपर में न्यूज आई है क्या साहब, उनके पार्टनर कह रहे हैं कि वो ये, जबकि मेरे पार्टनर सारे होंगे, आप जानकारी और पूछताछ तक मालूम कर ले, हर तरह की पूछताछ। अच्छा, कितनी बड़ी इसकी कीमत की आपकी चोरी हुई हुई? 4,10,000 रुपये की, 2,00,000 रुपये घर के थे और 2,10,000 रुपये भट्टी के थे। सर क्या नाम है आपका? नहीं नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? जेनेटा। अच्छा, ये एक चोरी की घटना का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला ये? इसमें सर ऐसा, हम गुड़ का काम करते हैं, 6 लोग हम इसमें पार्टनर हैं, ऐसा जो शाम के टाइम जो जैसे पैसा आया 2,00,000 रुपये, तो वो इनके घर लग गई है, 2,10,000 और हम यहाँ 10 बजे तक कभी भट्टी में बैठे अपने, फिर अपने घर चले गए, ये भट्टी पर सोते हैं, उसके बाद क्या करना, हम घर चले गए। उन्होंने सुबह हमें फ़ोन करके, मतलब रोज़ ही फ़ोन करते हैं हमारे पास, कभी अब आज ऐसा होगा वैसा होगा, इन्होंने हमें बुलाया, इन्होंने बताया बोले ऐसे ऐसे ना कर, फिर हमने पूरे दावा दौड़ कर। क्या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस मतलब रात आए गए वो कार्रवाई, फिर हमें चौकी भी लगाई, सब लोग वो पार्टनर को चौकी मिले, फिर साहब ने वहाँ बुलाया, फिर उन्होंने छोड़ दिया बाकी। ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये चौकी नरोली है, थाना बनिया।